And welcome to the 16th lecture of our Laws of Motion discussion. In the last lecture, we discussed constraint relation and how to apply them. आज हम लोग उसी को बहुत अच्छे से वापस रिवाइज करेंगे so that you can be proficient in applying constraint relation. ठीक है, constraint relation में आपको confidence आ जाए वो हम लोग चाहते हैं. ठीक है, so let's begin our discussion with a question. और आज हम लोग HCV भी इस टॉपिक का कंप्लीट कर लेंगे साथ ही में, ताकि आपको कांस्टेंट रिलेशन में कोई भी दिक्कत ना हो. और दिस सेशन विल बी आल्सो अ प्रैक्टिस सेशन. आज आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे हर क्वेश्चन को. जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसके बाद आपको वीडियो को पॉज कर देना है और खुद से उसको सॉल्व करने का कोशिश करना है, एंड देन ओनली सी द सॉल्यूशन. ठीक है, और एनालाइज कीजिए कि क्या चीज आपसे नहीं हो पाया, क्या गलती किया. सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन. द क्वेश्चन इज फाइंड acceleration of block. Find acceleration of blocks. In the situation so, और ये situation कुछ ऐसा है, ये ceiling है, इससे एक pulley लगा हुआ है, इस pulley से इधर एक block लगा हुआ है 4 kg का, इधर एक धागा है, ये दूसरा पुली इस तरह से, इस पुली से धागा लगा हुआ है, और ये दोनों धागा एक ब्लॉक को ज्वाइन कर रहा है. ये ब्लॉक मान लेते हैं 5 kg का. एंड यू हैव टू फाइंड द एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक्स इन दिस सिस्टम. तो हम लोग अब यहां पे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसके बाद खुद से सोचिए. सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं. पहला चीज आपको जो बताया गया था पिछले क्लास में वो ये बताया गया था कि सबसे पहले आप टेंशन दिखाइए, और टेंशन दिखाने के लिए आप अभी चाहे तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट कर सकते हैं. सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग मुझे यही वाला दिख रहा है. सो इसमें टेंशन यहां मान लिए टी है, इस पूरे धागे में टेंशन टी होगा, और यहां पर भी टेंशन टी होगा, इस पूरे धागे में टेंशन टी होगा, मतलब इस पुली पे टेंशन टी ऊपर, यहां भी टेंशन टी ऊपर. हमने डिस्कस किया था कि पुली पर नेट फोर्स 0 होता है, तो अगर 2t ऊपर है तो यहां पर 2t नीचे होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 होता है, इसलिए जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे. ये 2t पुली पर लग रहा है, इस धागे में टेंशन पर चल गया 2t है, तो यहां पर टेंशन 2t ऊपर होगा. स्टेप 1 था टेंशन दिखाना. ठीक है, स्टेप 2 है कि आप इस सिस्टम का एक्सलेशन मान लीजिए, इस ब्लॉक का एक्सलेशन, इस ब्लॉक का एक्सलेशन कुछ a1 a2 लेट कर दीजिए, किसी का भी एक्सलेशन किधर भी हो सकता है. वी डोंट नो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन. लेट सपोज मान लेते हैं कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है A1 से, और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है A2 से. इस A1 और A2 में जो इक्वेशन लिखते हैं उसी को हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन कहते हैं. मैंने दो तीन तरीके आपको इसके लिए कराए थे, और मैंने कहा था जो मेथड 3 है T.A=0, σT.A=0, उसी को हम लोग ज्यादा यूज करेंगे. और उसके लिए मैंने ट्रिक बताया था कि इतना लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं. क्या ट्रिक बताया था मैंने आपको कि जहां ज्यादा टेंशन होगा वहां एक लड्डू खिलाएंगे, मतलब वहां ए लिखेंगे. देखिए यहां पर टेंशन 3t है, इस ब्लॉक पर 3t टेंशन लग रहा है, 2t और प्लस t 3t, इसलिए इसको ए लिखेंगे. और यहां टेंशन जो है 3 गुना इससे कम है, ये 3t है, ये t है, इससे 3 गुना कम है टेंशन यहां, इसलिए यहां 3a लिखेंगे. क्या सिखाया था मैंने, ये तो ट्रिक था. लिखने का तरीका क्या था, ऐसे लिखते थे, मतलब सीखे थे σT.A=0. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट. पुली ब्लॉक सिस्टम में हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखते हैं. ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन है. इस ब्लॉक पर टेंशन 3t है, एक्सलेशन इसका a1 है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट में निगेटिव होगा, cos 180 माइनस 1 होता है. इसका टेंशन टी, एक्सलेशन a2, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव. सारे ब्लॉक का टेंशन एक्सलेशन लिखिए, वो जीरो कर दीजिए, तो वहां से आपका a1 a2 में रिलेशन आ जाएगा. इसको उधर बेस पे पीटी काट दीजिए, तो देखिए a2 = हो जाएगा 3a1. लेट कर लेंगे a1 का वैल्यू a, तो a2 का वैल्यू हो जाएगा 3. देखिए a1 a, a2 3a. एंड द लास्ट स्टेप इज mg दिखाइए. इसका वेट 50 न्यूटन नीचे, इसका वेट 40 न्यूटन नीचे, और इक्वेशन लिख दीजिए.
इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जो ब्लॉक जिधर जाता है उधर वाले फोर्स को पहले लिखते हैं, उसके अपोजिट वाले फोर्स को नेगेटिव में लिखते हैं। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ये वाले फोर्स को पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, टी माइनस 40। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है इसलिए ऊपर वाले फोर्स को पहले, टी माइनस 40 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 4 × 3 = 12। फर्स्ट इक्वेशन। इस ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, देखिए ये ब्लॉक नीचे जा रहा है इसलिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, अच्छा कुछ लोग ना एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहां दिखाते हैं, जी नहीं, जहां ब्लॉक हो वहीं पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखाना है। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है ए से, इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, 50 − 3t, इस पे टेंशन 3t लग रहा है, 2t + t इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5a। ये दूसरा इक्वेशन, पहले वाले इक्वेशन में आप 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3t − 120 इज इक्वल्स टू 36। 3t − 120 इज़ बस 36 है, ये कितना हो जाएगा, 50 − 3t इज़ इक्वल्स टू 5a। ऐड कर दीजिए, 3t − 3t कट जाएगा, 50 − 120 ये होगा −70 इज़ इक्वल्स टू 41a। दोनों को ऐड कर दिए तो therefore a इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, −70/41 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपका आंसर नेगेटिव आया ना, मतलब आपने जो डायरेक्शन लिया था वो उल्टा ले लिया था, गलत नहीं है, कैसे लिखे कैसे समझिए, a आ गया हम लोग का, a का वैल्यू ये रख दीजिए, ये कितना हो गया −70/41 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कितना है 3 टाइम्स ऑफ a, मतलब उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो −210/41 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो आप यहां एक क्लेरिफिकेशन लिखेंगे कि हेंस एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg इज इक्वल्स टू, देखिए एक्सेलरेशन कितना है 5 kg का, 70/41, लेकिन आपने किधर मारा था, नीचे, और नेगेटिव आ गया, इसलिए लिखेंगे किसका होगा एक्सेलरेशन 70/41 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि आपने नीचे मारा था इसलिए किधर होगा, ऊपर। हो सकता है बुक में ना इसको ऐसा लिखा रहे 77/41 लिखे और 10 को जी लिखते ऐसा ऊपर की तरफ, तो ये फॉर्मेट भी आंसर का चलता है। एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक अगर देखें तो क्या लिखेंगे हम लोग, −210/41 और ऊपर था हम लोग माने थे, होगा किधर, नीचे, क्योंकि निगेटिव आ गया, इसलिए 210/41 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ, दैट इज 21/41 g ऊपर की तरफ, ठीक है। सो आई होप आपको ये एक्सेस निकालने समझ में आ गया होगा, और इसी के ऊपर आज हम लोग एचसीवी के कुछ सवाल करेंगे, तो इसको आप लिखिए, और लिखने के बाद एचसीवी के जो क्वेश्चंस आपको जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं उसी ऑर्डर में आज करना है। पहला क्वेश्चन आपको करना है क्वेश्चन नंबर 31, दूसरा 32, 33 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसके बाद आप करेंगे 34 में तीन पार्ट है, पार्ट ए बी सी, 34 में बेसिकली तीन क्वेश्चन हो जाएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, बेसिकली इसमें तीन सवाल है। उसके बाद आप वापस आएंगे और वापस आके क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, जो कि बहुत अच्छा सवाल है, और 29। सो इफ टाइम विल परमिट देन वी विल सॉल्व 28 29, एल्स इट विल बी योर होमवर्क एंड वी विल बी डिस्कसिंग द सेम इन द नेक्स्ट लेक्चर। और 28 29 में मुझे बहुत कुछ और भी बताना है, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट बताना है। एक बात और, मैंने कई बार देखा है जब भी कोई भी होमवर्क में देता हूँ उसका डाउट डिस्कशन वीडियो होता है, तो बहुत सारे बच्चे उसको देखते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन मेरे से बन गया था, तो उड़ा उड़ा के खत्म कर लेते हैं। सी द पॉइंट इज, व्हेनेवर वी टीचर्स डिस्कस द डाउट, वी नॉट ओनली डिस्कस द डाउट बट समटाइम्स वी ऑल्सो डिस्कस सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन, ठीक है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारा एक्स्ट्रा बात भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 31 में एक चीज पूछा है आपसे कि फोर्स बाय क्लैंप कितना होगा, एंड दिस वी हैव डिस्कस्ड इन क्वेश्चन नंबर 30 व्हाइल डिस्कसिंग द डाउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। जब ये क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा नहीं था, लेकिन वहां पर मैंने आपको बता दिया था कि क्लैंप का फोर्स कैसे निकालते हैं। अब जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 नहीं देखा होगा, क्योंकि ये सोचे कि 30 तो आसान था, बन गया था मेरे से, 30 नहीं देखा तो 31 में अब क्लैंप का फोर्स क्या होता है वो पूछना है, ये दिक्कत होता है। इसलिए जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें आप उसको पूरा देखिए,
आंसर मैच कीजिए, मेथड मैच कीजिए, मेथड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं मैच कर रहा है देन प्लीज इन्फॉर्म मी, बताइए कि सर देखिए हमने ऐसे बताया था, ये सही है कि नहीं चेक करवाइए। ये बहुत जरूरी है, इसलिए हर एक चीज को अच्छे से देखना। एंड वी आर ट्राइंग दैट इन द एंटायर सीरीज ऑफ दीज वीडियोज यू विल गेट एवरी बिट ऑफ नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ जे एडवांस एज वेल एज नीट एंड एम्स, राइट। सो नाउ स्टार्ट स्वामी क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर सवाल बनाइए, जिनके पास बुक नहीं है मैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन यहां नहीं दे रहा हूं। 31 नंबर सवाल में इस तरह से ये सिस्टम दिया हुआ है, एक टेबल है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास 2m है, इससे एक धारा कनेक्टेड है, उसे एक पुली लगा हुआ है, ये पुली इस तरह से जाता है, पुली से धागा जाता है, ये धागा यूं करके एक ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और इस ब्लॉक का मास है m, ठीक है, और ये धागा वापस से इस क्लैंप से बना हुआ है, इस तरह से ये क्लैंप, इसको क्लैंप बोलते हैं, मतलब जो पुली को बांध के रखता है, ठीक है। ये सिस्टम दिया हुआ आपको, और आपको इस क्वेश्चन में तीन पार्ट के लिखने निकालने का है। पहला फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m, इस मास m का एक्सेलरेशन निकाले, इसका ध्यान देना है क्वेश्चन में ये भी कि किसका एक्सेलरेशन पूछा है। कई बार हम लोग क्या करते हैं एक्सेलरेशन निकाल दिए छोड़ दिए, नहीं आपको इस फॉर्म में फाइनली आंसर लिखना है, आदत डाल के, और क्वेश्चन को पढ़िए हमेशा कि किस चीज का एक्सेलरेशन पूछा है। दोनों का पूछा है तब तो कोई बात नहीं, दोनों का पूछा तो पूछने का ऑर्डर क्या है, 5 kg 4 kg, तो दिस कॉमा दिस लिखेंगे, उल्टा ऑर्डर दिया तो वो उल्टा, उसमें गड़बड़ी हो जाता है कई बार। तो इस वाले क्वेश्चन में इसका एक्सेलरेशन पूछा है आपसे, पूछा है कि बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा e1, और क्या पूछा है, और टेंशन भी पूछा है, तब इस धागे में टेंशन अगर टी मानते हैं तो इस टी का वैल्यू भी पूछा है, और क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली ए, ये पुली ए है, आपसे पूछा है फोर्स बाय क्लैंप ऑन पुली ए, ट्राई कीजिए अच्छे से, वीडियो बनाइए, बिल्कुल वही स्टेप्स को फॉलो कीजिए, यू विल गेट योर आंसर, प्लीज ट्राई इट। यहां पे एक मेरे से गलती हो गया है, ये जो 21 केजी है ना, सॉरी ये 21, ये नीचे होगा ना, क्योंकि यहां पे ये अपवर्ड था और अब निगेटिव आया था, मतलब डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए इस धागे में टेंशन लोग टी मान लिए, सेम धागा है, इस पुली पर टेंशन टी इधर होगा, सेम धागा यहां से ही पास कर रहा है, इस पुली पर टेंशन टी होगा, पुली पर नेट फोर्स बैलेंस्ड होता है, इधर हो गया 2t, तो इधर भी होगा 2t, तो इस धागे पर 2t टेंशन होगा, ठीक है। फिर हम लोग एक्सेलरेशन लिखते हैं, मैंने कहा था ज्यादा टेंशन एक लड्डू, तो इसके पास ज्यादा टेंशन है, 2 times ज्यादा टेंशन है, तो इसको हम लोग एक लड्डू खिलाएंगे ए, और इसके पास टेंशन हाफ है इसका, देखिए 2t है ये t है आधा है, तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग 2a मान लेंगे, हम लोग को इसी 2a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या था, सॉल्व करके दीजिए, mg लगा करके, इसका वेट mg लिखेंगे, इसका वेट जो होगा वो दिखाएंगे नहीं, इसका वेट नॉर्मल को बैलेंस कर लेगा, इसलिए वो इस मोशन में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इस ब्लॉक का मोशन तो इधर हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में तो मोशन हो नहीं रहा, इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे। इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन देखिए कितना जा रहा है, ये नीचे क्या लिखेंगे, इक्वेशन mg माइनस t, ऊपर की तरफ फोर्स की है, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2m, हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, ये ब्लॉक इधर जा रहा है, कितना टेंशन लग रहा है 2t, ये फोर्स है इज इक्वल टू, एक ही फोर्स लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2m, तो 2 कट गया, t का वैल्यू m हो गया, ये दूसरा इक्वेशन, यहां से t का वैल्यू m वहां रख दीजिए, तो mg माइनस ma इज इक्वल टू 2m, ये सबसे m m कटा और ये माइनस है उधर जाके प्लस है, तो g इज इक्वल टू 3a, a is equals to g by 3, तो
इसका एक्स कितना हो जाएगा 2g/3 नीचे की तरफ, जो एक्स मान के बिल्कुल पॉजिटिव आ गया ना, बिल्कुल सही आया। इस केस में इधर सही आया, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, यही से हो भी सकता है। ऐसा थोड़ी कि ब्लॉक इधर जाए लेगा, ये ब्लॉक अपने आप ऊपर जाए लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। दूसरा आपसे टेंशन भी पूछा गया था, टेंशन का वैल्यू देखिए एमए के बराबर है, तो टी ये पहला पार्ट का आंसर हो गया, तो पहला पार्ट का आंसर यहां हो गया, ये हम लोग का पहला पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट में आपसे टेंशन पूछा गया था, टेंशन कितने के बराबर है, एमए के बराबर, मतलब एम इंटू जी बाय थ्री के बराबर। वैसे इस क्वेश्चन में एक चीज क्लियरिफाई नहीं किया है, कौन से वाले धागे में टेंशन, तो इन्हें लॉन्गेस्ट में पूछा जाता है, तो ये वाला लॉन्गेस्ट, लेकिन लिखना चाहिए था कौन से धागे में टेंशन, क्योंकि दो दो धागा है यहाँ, एक ये वाला और दूसरा ये छोटा वाला भी तो है, तो दोनों अलग अलग टेंशन है ना, तो इसमें पूछा था, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा है फोर्स ऑन द पुली, अब इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा, इसको मैंने समझाया है लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो हम लोग जानते हैं कि पुली पर हमेशा नेट फोर्स जीरो होता है, हालांकि इस केस में तो नेट फोर्स जीरो होना ही पड़ेगा क्योंकि ये पुली रुका हुआ है, फिक्स पुली है, कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स है मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो, वो तो चल नहीं रहा है ना, एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। देखिए अगर इस पुली का एफबीडी बनाए तो ये धागा इस पुली पर टेंशन टी ऐसे लगाएगा, ये धागा इस पर टेंशन टी ऐसे लगाएगा, और ये क्लैंप इस पुली से तीन चीज बंधा हुआ है, देखिए ये धागा ऐसे पास कर रहा ना, तो दो टेंशन उसके वजह से हो जाएंगे और एक इस क्लैंप के वजह से, जो कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके अपोजिट लगेगा। फिर से सुनिए, इस पुली पर नेट फोर्स जीरो है, इस पुली पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तो अभी मैंने दो ही फोर्स दिखाया है, दोनों टेंशन, अभी क्लैंप का फोर्स नहीं दिखा रहा है। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों टेंशन का रिजल्टेंट किधर होगा, तो आप कहोगे सर ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर है, तो इसका रिजल्टेंट इसके बीच में होगा ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में होगा कितना, √2t। दो फोर्स अगर 90 डिग्री पर हो तो उसका रिजल्टेंट √2t होता है। फॉर्मूला लगा दीजिए, रिजल्टेंट का √a² + b² + 2ab cos θ, cos 90 जीरो होता है, a का वैल्यू भी t, b का वैल्यू भी t, तो इन दोनों का रिजल्टेंट उधर है, मतलब इन दोनों का नेट ये हो गया, इन दोनों का भूल गया। अब ये पुली रेस्ट पर है तो क्लैंप जो होगा इसके अपोजिट इधर फोर्स आएगा, ये फोर्स हम लोग से पूछा गया, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा √2t, √2 और t का वैल्यू कितना है mg/3, तो यही हम लोग के थर्ड फोर्स का आंसर हो गया, फोर्स बाय क्लैंप √2 mg/3। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया। आप लोग क्वेश्चन नंबर 32 बनाइए, 32 में यहां पे थोड़ा क्लियर नहीं है, ये m मास का और नीचे 2m मास का, देखिए मेरे बुक में थोड़ा क्लियर नहीं है, अगर ये सवाल मैं सही ना लिखूं तो आप लोग अपने बुक के अनुसार बना लीजिएगा, मैं प्रोसेस तो सही लिख सकता हूं, मेरे बुक में क्लियरली दिख नहीं रहा है, बहुत पुराना हो गया है। ये M मास है शायद, और ये पुली से कनेक्टेड है इस तरह से, ये दूसरा पुली जो कि सीलिंग से कनेक्टेड है, और इससे जो ब्लॉक कनेक्टेड है उसका मास 2m। और आपसे पूछा गया है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ब्लॉक मास M, मतलब आपसे इस वाले ब्लॉक का एक्सप्रेशन पूछा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग टेंशन दिखाएंगे, लंबा वाला धागा ये दिख रहा है, तो यहां टेंशन टी ऐसे मान लिए, ये पुली पे टेंशन टी ऊपर, तो इसमें 2t नीचे, तो इस धागे में 2t हो गया। अब एक्सेलरेशन मान लीजिए डायरेक्शन के साथ, तो ज्यादा टेंशन तो एक लड्डू मान लेते हैं, ये वाला a से नीचे जाएगा, ज्यादा टेंशन एक लड्डू, कम टेंशन दो लड्डू, क्योंकि दुगुना कम टेंशन है 2a। आखिरी स्टेप वेट दिखा दीजिए, इसका वेट 2mg है, इसका वेट mg इधर लगेगा, इधर की तरफ कंपोनेंट mg sin 30, sin 30 1/2, तो mg/2। एक बात और देखिए, जब नंबर दिया हुआ हो 2kg 5kg, तब आप जब वेट दिखाएं तो उसमें वैल्यू लिखें, अगर ये 5kg होता तो हम 50 न्यूटन लिखते, ठीक है, अगर 9.8 दिया हुआ है तो 49.8 लिखते, अगर इस तरह से वेरिएबल हो तो आप जी के फॉर्म में लिखें, आदत डालिए इस बात। अब इक्वेशन लिखिए, इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखते हैं, ये ब्लॉक इधर जा रहा है, हम लोग को यही एक्सप्रेशन निकालना है a1, ये ब्लॉक इधर जा रहा है कितने से, t - mg/2, ये हो गया फोर्स,
इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2ma। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इस ब्लॉक के लिए लिखिए, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, क्या लिखेंगे, 2mg माइनस 2t इज इक्वल्स टू 2ma। यहां सब जगह से 2 कट जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। यहां t है, ये माइनस t कटा, mg माइनस mg बाय 2, 3mg बाय 2 इज इक्वल्स टू 2ma प्लस ma 3ma। तो 3m से 3m कटा तो a का वैल्यू हो गया g बाय 2। मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन g बाय 2 नीचे की तरफ पॉजिटिव आया, मतलब हम लोग सही माने थे। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन g इधर की तरफ, ठीक है। लेट मी चेक द आंसर, यही है कि नहीं। तो 32 का आंसर g, 32 का आंसर है g बाय 3 अप द प्लेन। मतलब इसमें मैंने वैल्यू तो आई होप यही वैल्यूज हो, अगर यही वैल्यू हो तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये 2mg नीचे, ये t 2t ऊपर, ये बिल्कुल सही है। ये mg, mg sin थीटा, mg by 2 सही है, t सही है। ज्यादा टेंशन एक लड्डू, कम टेंशन दो लड्डू, यहां तक क्लियर था। अब हम इक्वेशन देखते हैं इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो इक्वेशन लिखेंगे 2mg minus 2t is equals to 2ma, तो 2 कट गया। इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखेंगे t minus mg by 2 is equals to m into 2a, 2a। तो जब लोग ऐड किए तो ये t से t कटा, mg minus mg by 2, सॉरी यहां गलती हो गया है, mg minus mg by 2, ये mg by 2 होगा, mg minus mg by 2, mg by 2 होगा। तो ये 3 बचा रह जाएगा, ये g by 6 हो जाएगा, a का वैल्यू g by 6, ठीक है ठीक है, वैल्यू यही है, ठीक है, a by g by 6 हो गया और ये हो जाएगा g by 3। चलिए आंसर, गलती मिल गया, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग गलती किए थे, तो यही वैल्यूज है इसका मतलब, क्योंकि आंसर आ गया g by 3 ऊपर की तरफ, ये सही आंसर है, ठीक है। इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार रिकॉर्डिंग्स में भी गलती हो जाती है हम लोगों से भी, तो आप लोग को भी ध्यान रखना है इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट। मैं डायग्राम बना दे रहा हूं और आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करना सीखेंगे। 34 का ए पार्ट का डायग्राम मैं बना रहा हूं। ये सीलिंग है, सीलिंग से एक रॉड इस तरह से बंधा हुआ है, इससे बड़ा सा पुली लगा हुआ है, इस पुली से एक धागा इधर से एक ब्लॉक बंधा हुआ है। इस ब्लॉक का मास 4 kg है, इधर एक धागा बंधा हुआ है, यहां पे फिर एक और पुली लगा हुआ है, इससे ब्लॉक बंधा हुआ है 5 kg का, और ये धागा वापस से इससे जाके टाइट हो गया, और आपसे दोनों ब्लॉक का इसमें एक्सेसन पूछा गया, ठीक है, 4 kg का और 5 kg दोनों का। इस ब्लॉक का नाम ए दे दिया गया है, इस ब्लॉक का नाम बी दे दिया गया, ठीक है। सही से टेंशन दिखाइए, कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखिए, यू विल गेट योर आंसर। चलिए तो डिस्कस करते हैं 34 का ए। सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग तो मुझे ये दिख रहा है, तो यहां टेंशन टी मान लीजिए, सेम धागा में टेंशन सेम होता है, यहां टी टी ऊपर, इसमें टू टी नीचे। अब आप डायरेक्ट भी दिखा सीख सकते हैं, इस ब्लॉक पे टू टी ऊपर। तो आप एक्सेलरेशन लेट कीजिए, मान लीजिए ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है ए से, ज्यादा टेंशन एक लड्डू, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा 2a से, कम टेंशन दो लड्डू। इसका वेट 40 न्यूटन नीचे, इसका वेट 50 न्यूटन नीचे। अब इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग, ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, 50 माइनस 2t, 50 माइनस 2t इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5a। ये पहला इक्वेशन हो गया हम लोग का, और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, क्या इक्वेशन लिखेंगे, t माइनस 40 इज इक्वल्स टू 8a, ये दूसरा इक्वेशन। इस वाले इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 8t इज इक्वल्स टू 16a, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये वाला और ये वाला, तो 2t माइनस 2t कट जाएगा, 50 माइनस 80 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 21a, तो ये का वैल्यू माइनस 3/7, सॉरी 3 से काटेंगे
-10/7 m/s², जिसको आप -g/7 भी कह सकते हो, ये a का वैल्यू आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -2g/7, 2 है ना, और ये हो जाएगा -g/7। तो यहाँ पे हम लोग को क्लारीफाई करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन कितना है 4 kg का, 2g/7, और हम लोग ऊपर लेट किए थे मतलब नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन 5 kg कितना है, g/7, और हम लोग नीचे लेट किए थे तो ये ऊपर होगा, 34 का a का 2g/7 डाउनवर्ड्स एंड g/7 अपवर्ड्स, बिल्कुल सही है ये। अब बी पार्ट यहां मैंने आपको बना के दिखाया है, बी पार्ट देखिए, सबसे लंबा धागा तो मुझे यही दिख रहा है, तो यहां टेंशन टी ऐसे, यहां टेंशन टी ऊपर, यहां टेंशन टी ऊपर, ये टूटी नीचे, इसमें टूटी ऊपर, ज्यादा टेंशन तो एक लड्डू ए से नीचे जाएगा, ये वाला 2a से निकल जाएगा, कम टेंशन दो लड्डू, इसका वेट 50 न्यूटन, इसका वेट दिखाने का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जाता इसका वेट दिखाने का, क्योंकि इसका वेट और नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। इसके लिए इक्वेशन लिखिए, क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू 2 × 4a, ये पहला इक्वेशन। इसके लिए क्या लिखेंगे, नीचे जा रहा है तो 50 − 2t इज इक्वल टू 5a, ये दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर देना, देखिए 50 − 2t, t का वैल्यू 4a है तो 2t हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 5a, तो ए हो गया 50/13 m/s², मतलब 5g/13, मतलब ये जो आंसर आ गया मेरा, ये हो गया 5g/13 और ये हो गया 10g/13, और डायरेक्शन तो बिल्कुल वही होगा, 5g/13 डाउनवर्ड्स एंड 10g/13 फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट 34 का सी पार्ट करते हैं, सबसे लंबा धागा तो मुझे ये दिख रहा है, ये टेंशन टी ऊपर, सेम धागा यहाँ टेंशन टी टी, इसमें टू टी, ठीक है। अब ये ज्यादा टेंशन है तो मान लेते हैं ये कम लड्डू खाएगा, ऊपर की तरफ ए से जाएगा और ये नीचे जाएगा 2a से, कम टेंशन ज्यादा लड्डू, इसका वेट 20 न्यूटन, इसका वेट 10 न्यूटन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, इस वाले ब्लॉक के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो क्या लिखेंगे, 2t − 10 = a, 1 × a होता है, इसके लिए क्या लिखेंगे, 20 − t = 4a, इस इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर लेते हो जाएगा 40 − 2t = 8a, ऐड कर दीजिए 2t − 2t कटा, 40 − 10 = 30 = 9a, तो a का वैल्यू 10/3 m/s², इसको लिख सकते हैं g/3, ठीक है, g/3, तो ये एक्सप्रेशन हो गया g/3 और डायरेक्शन बिल्कुल सही है, ये हो गया 2g/3, ठीक है, ये हो गया g/3 और 2g/3, ठीक। सो आई होप दिस क्लियर्स एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो रिगार्डिंग दीज प्रॉब्लम्स कंस्ट्रेंट रिलेशन। आपके लिए मैं दो क्वेश्चन होमवर्क में लेके जा रहा हूं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 28 और 29 के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूं, उसमें 3 ब्लॉक है, तो वहां पर आप इस तरह से लड्डू नहीं खिला सकते, लड्डू खिलाना 2 ही ब्लॉक में एप्लीकेबल होता है, अगर आपके पास 2 से ज्यादा ब्लॉक, 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक हो, तब आप तीनों का एक्सेप्शन मान लीजिएगा, किसी का पहला का A1, दूसरे का A2, तीसरे का A3, और फिर बकायदा कंस्ट्रेंट लिखिएगा T.A करके, टेंशन दिखाइएगा कंस्ट्रेंट लिखिएगा, ध्यान रहे 28 में तीनों ब्लॉक का एक्सेप्शन आप अलग अलग मानेंगे, किसी का सेम मत मान लीजिएगा, अगर कोई पुली से बना हुआ 2 ब्लॉक दिख जाए तो सेम मत मान लेना, आप सेम तभी मानते हैं जब आपको पता हो एग्जैक्टली कि वो सेम है, नहीं पता हो तो आप अलग अलग मानते हैं A1 A2 A3, कंस्ट्रेंट लिखिए उसको सॉल्व कीजिए। 3 ब्लॉक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें 4 वेरिएबल होते हैं, क्योंकि 3 ब्लॉक तो 3 एक्सेलरेशन और 1 टेंशन t, 4 वेरिएबल तो आपको 4 इक्वेशन लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, मेहनत का काम है, ये मेहनत कीजिए, अगले क्लास में हम लोग उसके डाउट के साथ मिलेंगे, राइट, उसमें मैं कुछ और बातें भी सिखाऊंगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज लेक्चर, विद दिस वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।